नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। खबर है करनाल की, जहां जननायक जनता पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन मेरठ रोड स्थित रामबाग बैंकेट हॉल में किया गया, जिसको जिला अध्यक्ष नरेंद्र सांगवान ने मुख्य रूप से संबोधित किया। उन्होंने 10 सितंबर को असंध में होने वाली दुष्यंत चौटाला की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर दुष्यंत चौटाला के विचार सुनने के लिए कार्यकर्ताओं से आग्रह भी किया। बसपा से गठबंधन टूटने के सवाल पर नरेंद्र सांगवान ने कहा कि इस बारे में पार्टी के बड़े नेता ही जानकारी दे सकते हैं, परंतु जजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इस अवसर पर एक्स सरपंच बालू गुरलाल सिंह, रघुवीर सिंह विर्क, यशपाल राणा, रामा मदान, प्रेम शाहपुर, सुरजीत रोड, राजवीर सिंह, सोरा बहादुर सिंह, मेला महावीर पोसवाल, नफेस सिंह, मान भीम मदान, राहुल तोमर, इंद्रजीत गोराया, भीम सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ जी, आज की मीटिंग के बारे में बताइए। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा, एक तो हमारी युवा जिला कार्यकारिणी हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं और एक 300 की हमारी जिला कार्यकारिणी बन चुकी है, उसको भी आज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और मेन एजेंडा जो आज की मीटिंग का हमारा है, आगामी 10 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी असंध में आ रहे हैं और एक असंध में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हमने पूरे ज़िले के अपने मेन मेन कार्यकर्ताओं की यह मीटिंग बुलाई है कि किस तरह से उस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल कर सकें, उसी बारे में सभी साथियों से डिस्कस चल रही है। और हम 10 तारीख को जो हमारी असंध में जनसभा है उसको बढ़िया एक रैली में तब्दील करने का काम हम सारे ज़िले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक हैं। 5-7-10 दिन में कभी भी चुनाव आचार संहिता भी लग सकती है और चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, कोई साथी आज इस मीटिंग में नहीं आया तक अगर पहुंच रही है तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ असंध जो अनाज मंडी में हमने युवा नेता और आने वाले हरियाणा के भावी सीएम की जो हम जनसभा करने जा रहे हैं उसमें सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। पूरे असंध हल्के से भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे इंद्री हो, चाहे निलोखेड़ी हो, चाहे करनाल और चाहे गरुंडा हो, सभी से मेरा निवेदन है कि उसमें बढ़ चढ़ कर सभी साथी भाग लेने का काम करें। आज इसी बारे में हमने मीटिंग बुलाई। गठबंधन के बारे में क्या आगामी रणनीति है? गठबंधन का हमें कोई नफा नुकसान नहीं है और हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और सरदार निशान सिंह कम्बोज जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो जो भी फैसला लेंगे, पहले गठबंधन नहीं था तब भी हम काम कर रहे थे, गठबंधन हुआ तो उसका भी स्वागत है। अगर उन्होंने किसी कारण से इसको तोड़ने का काम किया तो भी हम तो स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हर समय जनता के बीच में रहते हैं और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से उन्होंने सीखा है कि किस तरह से हमें संघर्ष करना है। मैं तो उदाहरण दूंगा चौधरी देवीलाल का, जिन्होंने 65 साल अपने जीवन में संघर्ष किया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और दुष्यंत चौटाला जी तो एक युवा नेतृत्व है, युवा नेता है और सौभाग्य समझता हूँ मैं तो हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों का कि उनको इतना अच्छा नेता मिला। अगर आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री बनते हैं उन सब के सहयोग से तो सबसे ज़्यादा काम युवाओं के होंगे, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 75% युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज तो इस सरकार में अभी एक लिस्ट आई है SDO की, है शायद वो बिजली बोर्ड में जो लगे हैं उसमें 80 में से 2 ही हरियाणा प्रदेश के हैं, बाकी 78 कोई गुजरात से हैं, कोई राजस्थान से है, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, ज़्यादातर उसमें गुजरात से भेजे गए हैं। इसका मतलब तो हमारे हरियाणा प्रदेश में युवा है ही नहीं, कोई लायक ही नहीं है उस पद के लिए। तो ये भेदभाव जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है नौकरियों में, वो भेदभाव हम नहीं होने देंगे। आज प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पे बाहर के बच्चे जॉब करते हैं, आके साउथ के हों चाहे वो कहीं और दूसरे इंडिया के किसी भी कोने के हों,
दुष्यंत जी ने एक बात कही है कि जो हिस्सा हमारा वहाँ पे है उसको हम 75% तक हरियाणा के बच्चों को देने का काम करेंगे। उनका पहला यही एक घोषणा है, पहला यही फैसला है। और भी कई घोषणाएं हैं, वो सारी अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो मैं तो अभी तो अपने सभी साथियों से यही कहूंगा कि 10 तारीख को जो असंध का हमारा प्रोग्राम है दुष्यंत चौटाला जी का, उसको कामयाब करने के लिए सभी साथी दिन रात मेहनत करने का काम करें। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ही तोड़ा गया गठबंधन, उस चीज का मेरे को नॉलेज नहीं, इतना मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि ये रात कोई 10-11 बजे के आसपास की बात है। मेरे पास फोन आया था कुछ अपने बहुजन समाज पार्टी के साथियों का, वो बड़े दुखी थे बेचारे, वो वहीं पे थे जो करनाल की उनकी लीडरशिप है, वो बड़े दुखी थे। वो कह रहे थे कि हम इस पक्ष में नहीं है कि समझौता हमारा टूटे, आप भाई साहब कुछ भी करो, दुष्यंत जी से बात करो या किसी से करो, इस समझौते को आप जारी रखो। लेकिन वो भी अंदर खाते दुखी हैं, जो यहाँ के हमारे लोकल स्थानीय नेता हैं, वो भी चाहते थे कि हमारा किसान को मेरे का गठबंधन रहे। लक्ष्य ये है जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान नरेंद्र सागवान जी, बाकी करनाल की सारे कार्यकारिणी, सब लीडरशिप यहाँ इकट्ठी हुई है कि 10 तारीख को असंध अनाज मंडी में इस रैली को कामयाब करने के लिए कि सभी वर्कर साथियों की मीटिंग ली गई है। मेन एजेंडा हमारा यही है आज का कि 10 तारीख को हम इस असंध रैली को कामयाब करें और दुष्यंत जी के हाथ ऊंचे करें और दुष्यंत जी को सीएम बनाएं। हम एक बार दुष्यंत जी को सीएम देखना चाहते हैं, जो हम 10 तारीख को रैली को कामयाब करेंगे होगी। और हमें उम्मीद है कि हमारा एक एक वर्कर साथी जैसे पहले था वैसे ही खड़े हैं। तो हम 10 तारीख को अपील करते हैं सभी करनाल वासियों को, डिस्ट्रिक्ट करनाल प्रधान की ओर से, श्री ब्रज शर्मा जी की ओर से, सब हलका वासियों की ओर से कि असंध 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को संख्या में रैली को लाएं। आज जेजेपी के सभी वरिष्ठ नेता गण और सभी सीनियर नेता जहां इकट्ठे हुए थे, जो असंध में एक जेजेपी की सभा होने जा रही है जिसमें दुष्यंत जी मुख्य अतिथि होंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कामयाब करें उसी के बारे में आज मीटिंग का यही एजेंडा था और उसी के बारे में चर्चा हुई है। और मैं आपके माध्यम से सभी वर्कर साथियों को ये अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि 10 तारीख वाली जनसभा को एक रैली में तब्दील करें और बढ़ चढ़कर सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को, साथियों को साथ लेके आएं और दुष्यंत जी का, सभी साथी दुष्यंत जी के विचार को सुने। और सभी साथी हम दुष्यंत जी को सीएम देखना चाहते हैं, यही हमारी आज इस मीटिंग का एजेंडा था और यही हमारी रैली का भी एजेंडा होगा। क्या नाम अपना? इंदरजीत, जिला परिषद असंध। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।